सर, इस बार 28 साल पूरे हो रहे कैंप को, और इस कैंप की बहुत खासियत ये है कि आज संक्रांति होने के बावजूद इन कॉमन लोगों में संक्रांति का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। हमें चिंता थी कि पेशेंट आएंगे या नहीं आएंगे संक्रांति के, पर अभी तक 1500 के ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसके ऊपर से इस कैंप का महत्व क्या है ये लोगों ने साबित कर दिया है। लोगों को इसकी बहुत ज़रूर है, ये इस पर से दिख के आ गया आज। प्लास्टिक सर्जरी आप पिछले 27 साल से इस उपक्रम को करते आ रहे हो, क्या अनुभव रहा? गए 28 साल से आज तक हमारे प्लास्टिक सर्जरी केस में कोई भी केस अनसक्सेस नहीं है। ये हमारे पूरे 28 साल के कैंप का महत्वपूर्ण बाब है। आज तक जितने भी ऑपरेशन किए गए वो सारे 100% सक्सेसफुल रहे हैं, और इस बार भी जो होने वाले 400-500 ऑपरेशन वो भी सक्सेसफुल रहेंगे। किस तरह के पेशेंट यहाँ पे देखने मिलते हैं? ज़्यादा करके चेहरे के दाग होते हैं, बच्चों के लिप्स कटे होते हैं, नोज़ का प्रॉब्लम होता है, किसी को नोज़ का शॉर्ट होता है, नोज़ अंदर होता है, और आँखों की पपनी जो नीचे गिरी होती है उसको टोसिस कहते हैं, और जले हुए केसेस ज़्यादा है। हम लोग जले हुए केसेस करते नहीं हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इन लोगों के लिए भी एक सेपरेट कैंप किया जाए और इनके डॉक्टर्स को ढूंढा जाए कि जो जिस इन रोगियों को हम लोग कुछ इलाज कर सकें।